न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। जैसे कि आजकल करंट टॉपिक चल रही है, कंप्यूटर खोलते ही, फ़ोन खोलते ही, व्हाट्सअप खोलते, फेसबुक खोलते ही, वक्फ अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट करो, वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्सेप्ट करो। आखिर व्हाट इज़ वक्फ? मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगा कि वक्फ का मतलब क्या है, वक्फ़ मंशा क्या है, उसका पर्पज़ क्या है वक्फ का। मैं और एक बड़ा सवाल करना चाहूँगा कि आज तक वक्फ के लैंड से कोई गरीब को फ़ायदा हुआ क्या? कोई गरीब को लीज पे जो है सो प्रॉपर्टी मिली क्या? कोई गरीब को बीमारी को पैसे मिले क्या? हाँ, ये जितने हैं पूरे लुटेरे, वक्फ के लुटेरे बैठे हुए, क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोल लेते हैं अपने आप को। मैं उंगलियों पे गिना देता हूँ, शहर के जो बड़े बड़े लोग हैं क्रीम ऑफ सोसाइटी बोलते हैं, सब में बड़े वक्फ के चोरान, डाकुआ, बट्टेबाजान, लुटेरे। तो कम से कम अगर गवर्नमेंट वक्फ़ अमेंडमेंट बिल लेंगी तो इसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएंगी। वंस अकाउंटेबिलिटी कम्स, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप वक्फ के बोर्ड को जाके एक आरटीआई में डालिए, आज के जो हालात है वक्फ बोर्ड के, एक आरटीआई में डालिए, आपको आरटीआई एक साल तक आपको रिप्लाई नहीं देते। लोग खजात का दफ्तर बना हुआ है, वहाँ से फाइल वहाँ फेंकते, यहाँ से फाइल वहाँ फेंकते थे, कोई उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक आरटीआई का आपको एक साल तक आपको जवाब नहीं मिलता। तो ऐसा वक्फ का बोर्ड, वक्फ बोर्ड जो है सो जो चल रहा है, ऐसा चलने से नहीं चलना अच्छा है। कम से कम गवर्नमेंट तो भी अकाउंटेबिलिटी होती, आप कोर्ट में तो खींच सकते हो उन लोगों को। यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, बेवा की फरियाद कोई सुनता नहीं, बोलते ना वैसी वक्फ की जो है सो कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। जितने भी ये चोरा लुटे रहे जो है सो पेट भर ले रहे, अपना पेट भर ले रहे, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज पे बकरों के फार्मा, कुत्तों के फार्मा, घोड़ों के फार्मा डाल रहे, बड़े बड़े दरगाहों की वक्फ की जमीनों पर कुत्ते पाल रहे। आपको मैं अगर नामों से बोलूंगा परेशान हो जाएंगे आप। शहर के क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोलते, गेस्ट हाउस बना रहे वक्फ के लैंड पे, बाप का माल है, अल्लाह की जायदाद है। अरे अल्लाह की जायदाद की हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज होता, हर मुसलमान का फर्ज होता। एक 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 इंच की भी अगर वक्फ की लैंड आप कब्जा करेंगे तो मरते पहला सवाल आपका वही होगा, क्या तेरे पास कोई दूसरा धंधा नहीं था कि तू वक्फ लैंड को कब्जा करा? क्या अल्लाह की जायदाद ही मिल गई हिंदुस्तान में, दुनिया में, जो वक्फ की जायदाद को कब्जा करके अपना पेट पाल रही, अपनी आल औलाद को खिला रही? बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो मैं जहां तक समझता हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल इज नॉट बैड, अगर वो आता है तो ये असल, ये जो चोरा, ये जितने पुकार रहे हैं चोरा लुटेरे बट्टेबाजा, वफ का इनका धंधा बंद हो जाता, इनका कारोबार बंद हो जाता, इनके पेट पे लात पड़ता, बोल के वो रिजेक्ट कर दो या रिजेक्ट कर दो। अरे तुम्हारे को अगर इंटरेस्ट होता तो तुम बरसा बरस से वक्फ बोर्ड में क्या करे, वफ को क्या फायदा, इससे फायदा पहुंचाए आप? कुछ नहीं पहुंचाए। आप अपना पेट भर लिए, हर जगह वफ की लैंड कब्जा करके बैठे हुए आप, बड़े बड़े इमारतें बना लिए आप, बड़े बड़े लोगों के जो है 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी। जब भी कोई वक्फ का मेंबर बनता, चेयरमैन बनता, करोड़ों रुपए लेके जो है सो आता, करोड़ों रुपए लेके जाता। ये है मुसलमान के वक्फ प्रोटेक्शन। आज मैं वक्फ प्रोटेक्शन एक्ट कमेटी का मेंबर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह चाहे तो हमारे जो मीटिंग्स हो रहे हैं कलेक्टर के साथ, अब हम बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं जो भी लैंड ग्रैबर से। अरे क्या फ़ायदा हो रहा वक्फ को बताइए, कोई किराएदार वक्फ को किराया दे रहा क्या बताइए आप मेरे को? हजारों लाखों करोड़ों रुपये किराया बाकी है, बाकी जायदाद है, बैठ के खा रहे हैं, वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वक्फ को किराया तक नहीं दे रहे आप, फिर आप बोल रहे हैं मैं वक्फ प्रोटेक्शन, मैं वक्फ का लैंड का वो हूँ, मेरे को अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट करना है, क्या फ़ायदा है आपको? आपकी आने वाली नस्लें को जो है सो आपसे पूछेंगी, आपके गिरबान पकड़ लेंगी कि आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया था, आपको यही है क्या वक्फ की जायदाद खाना है क्या आपको? अरे यार वो बहुत बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप लोग। ये बड़े बड़े लीडरों को, सियासी लीडरों को जो वफ के लीडर है लुटेरे, जो सब मिलके नीचे से लेके ऊपर तक मिलके वफ के जायदाद खा लिए, हर हुकूमत में हुआ ये, कांग्रेस से लेके टीआरएस से लेके टीडीपी से लेके हर हुकूमत में वफ की जायदाद खाई, आखिर कब तक? ये बहुत बुरा हो रहा है। तो मैं जहां तक समझता हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा तो कम से कम ये चोरियां बट्टेबाजी के धंधों के जो अपने लोग 99% अपने लोग इन्वॉल्व है, मुसलमान ही खाता वफ की लैंड, कोई हिंदू खाते हुए सुने आप, लीज पे लेते वो देने वाले भी मुसलमान है हिंदू को भी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा तो आप लोगों के लिए आपकी प्रॉपर्टी सेफ होंगी, वरना फिर जो बची खुची प्रॉपर्टी है वो भी ये जो कुत्ते कोयले जो लपटे हुए हैं पीछे,
अब जो परेशान है, अरे पेट पे लात पड़ जा रहा, कैसा होगा हमारा कारोबार बंदा हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा, बोल के अमेंडमेंट बिल को जो है सो रिजेक्ट करो बोल। खुदाफिस। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सनग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड्स, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड्स। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।